हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज है मेरा छठ का व्रत। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही मैं बताना चाहूँगी, ये मेरा पहला छठ का व्रत है। मतलब कि हमेशा से ना मैं अपनी मम्मी को करते हुए देखती थी ये छठ के व्रत को, लेकिन आज मैं खुद करने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा कि मेरा छठ का व्रत कैसा रहा और मैंने किस तरीके से पूजा की। तो फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी अच्छे होंगे जैसे कि हमेशा की तरह। तो यहाँ पे ना मैं ये जो पत्ते होते हैं ना, मैं निकाल ले रही हूँ, 12 पत्ते तोड़ ले रही हूँ साफ साफ, जो एकदम छिदे फटे ना हो। क्योंकि इन पे क्या होता है, 12-6 पे माता रानी का प्रसाद चढ़ाते हैं और जितने पुत्र होते हैं उस हिसाब से 6-6 करा जाता है। तो यहाँ पे मेरे एक ही पुत्र है, तो मैंने यहाँ पे 12 पत्ते तोड़ लिए हैं और उन्हें अब जल से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत लोग होते हैं ऐसे दीवार पे बना के गोबर से छठ माता का चित्र बना के, या नहीं बनाते तो बाज़ार से चित्र खरीद के ले आते हैं और उसको चिपका के उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ ये गमले में और ये जो पेड़ होता है इसको ऐसे गाड़ के उसके बाद इसी की पूजा होती है। तो ये गमले की मिट्टी ना सूखी होने की वजह से ये इसमें ऐसे गड़ नहीं पा रहा था, तो मैं उसको मिट्टी गीला कर रही थी ये लोटा जल से। लेकिन लोटा जल भी मेरा ना कम पड़ गया था, मिट्टी बिल्कुल गीली नहीं हो पा रही थी, मतलब गीली नहीं थी, इस वजह से पेड़ लग नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे ना पूरे गमले को ही ले जाके उठा के नल के नीचे रखना पड़ा। और जब मैंने इसे नल के नीचे रखा है तब जाके इसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो गई है, जब तब यहाँ पे फिर मैंने जो भी पेड़ थे उसको एक 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 करके मैंने सब लगाया। क्योंकि एक साथ लग नहीं रहते तो मैंने सोचा कि उन्हें चलो एक एक करके लगा के देखते हैं, क्योंकि इनका इस गमले में गड़ना बहुत ज़रूरी था, तभी मेरी पूजा स्टार्ट होती। और ये पहला पहला व्रत था मेरा छठ का, मतलब पहली बार मैं कोई ऐसा व्रत रह रही थी जो संतान के लिए था। और मुझे कोई गाइडेंस भी नहीं थी, मतलब मैंने जो भी बड़े बुजुर्ग लोगों से पता किया था कि क्या कैसे किया जाता है, मतलब एक पता करना, तो उन्होंने फ़ोन पर मुझे बता दिया था कि कैसे क्या किया जाता है। बट आज इस समय यहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो नहीं करती हैं अब छठ की पूजा, पहले करती थी बट अब वो नहीं करती हैं, तो इसलिए वो भी नहीं थी बताने के लिए। तो ये मेरा पहला पहला व्रत था और मुझे अपने अकेले ही करना था हर चीज़ मैनेज और अरेंज, कह लीजिए, मतलब कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे फाइनली गमले की मिट्टी ना पूरी पानी से गीली कर दी और उसमें देखिए तर्थ लगाया, तो फिर ये लग गया एक एक करके पूरा गमला अच्छे से, जो भी मतलब था पेड़ ये लग गया। अब इसके बाद सारी अरेंजमेंट मैंने कर ली थी, जितनी थोड़ी बहुत मुझे पता थी, जिस हिसाब से मुझे जानकारी मिली थी, मैंने सब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अरेंजमेंट तैयारी की पूजा की। और आप देखोगे ना कई बार मुझे उठ उठ के जाना पड़ रहा था सामान लेने, क्योंकि कभी क्या हो रहा था, कभी कुछ सामान भूल जा रही थी, कभी कुछ सामान भूल जा रही थी, तो इसलिए एक एक सामान याद आता जा रहा था, तो एक एक सामान मैं करती जा रही थी। क्योंकि मुझे पहले से, मैं पहली बार फास्ट रह रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो एंड टाइम पर जो जो चीज़ें याद आती जा रही थी तो वो मैं मंगवाती जा रही थी, या मतलब खुद जाके ले आ रही थी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी मतलब मुझे समझ थी उस हिसाब से मैंने सब तैयारी यहाँ पे कर ली। तो ये जो दिए लाई हूँ ना, मैं ये दिए लाई हूँ काजल पारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि काजल पारा जाता है और फिर वो काजल अपने लड़के को लगाया जाता है, मतलब पूजा के दौरान ही आप काजल पारें, ताज़ा काजल पारना, मतलब कि कहते हैं ना काजल बनाना, तो उसको अगर आप लोगों को नहीं पता है कि काजल कैसे पारा जाता है तो आप ये विधि देखिएगा मेरी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काजल बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया ना, मैंने रुई की बत्ती बना ले रही हूँ लंबी वाली काजल का पारने के लिए, क्योंकि इसमें लंबी बत्ती की ज़रूरत होती है काजल पारने के लिए। तो यहाँ पे दिए कि ना मैं लंबी बत्ती बना ले रही हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता है कि कैसे काजल पारा जाता है तो यहाँ पर आप लोग सीख जाएंगे। तो बस इस तरीके से आपको लंबी बत्ती बना लेनी है दिए में, किसी भी दिए में लगाने के लिए। तो आप गोल बत्ती भी लगा सकते हो, लेकिन गोल बत्ती से क्या होता है ना, जब आप उसे ढकोगे ना तो वो पूरी बुझ जाएगी, इसलिए लंबी बत्ती लगाई जाती है। तो यहाँ पे यशी भी देखिए उठ गई थी, मतलब यशी के दोनों ही भाई बहन उठ चुके थे, हम लोग मैं पूजा की तैयारी कर ही रही थी और इतने में ये दोनों लोग उठ गए थे। तो यहाँ पे यशी देखिए आती ही इन्होंने शैतानी शुरू कर दी थी, और अब इनको क्या था ना, सिंदूर जो था ना वो लगाना था इनको, सिंदूर लगाने की जिद कर रही थी। और अभी आप देखेंगे मैं जैसे उठ के जाऊँगी ना तो तुरंत ये लड़की उठा के सिंदूर लगा लेती है अपने माथे पर, मतलब इसको ना वो जो मुझे करते हुए देखती है उसको पता तो होता नहीं है, बस वो हर चीज़ उस चीज़ को कॉपी करती रहती है। तो यहाँ पे मैं दूसरे दिए को देख रही थी रखे कि क्या दिया रख जाएगा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी काजल पारने में। तो यहाँ पे फाइनली मैं ना पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं पूजा की, उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ मैंने दिया बत्ती, धूप बत्ती और जो भी काजल पारने की तैयारी थी वो सब मैंने सारी धीरे धीरे तैयारियाँ कर ली, ताकि पहले
सारी तैयारी हो जाए उसके बाद फिर पूजा की जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए यशी आ गई हैं, और अभी आप इनका चेहरा देखिएगा, सिंदूर इन्होंने कहाँ लगाया हुआ है ये देखिए। मम्मा को देखा ऊपर सिंदूर लगाते हुए मांग में, तो इन्होंने भी वहीं पे सिंदूर लगा लिया है। तो ये इस तरीके से मुझे इतना ज़्यादा कॉपी करती है ना कि हर चीज़ इसको सेम टू सेम मेरी जैसे ही करनी होती है। यहाँ पे देखिए इनकी कुछ शैतानी हो रही है जिसको मैंने म्यूट कर दिया है। बहुत शैतानी कर दी है लड़की, जब भी कैमरा देखती है ना तो स्पेशली करने लग जाती है। और अब बड़ी हो रही है तो थोड़ी थोड़ी शैतान भी हो रही है, बट अच्छी लगती हैं ये शैतानियाँ। बच्चों की यही शैतानियाँ तो घर में चहल पहल रखती हैं, और कह लीजिए कि मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे होते हैं तो इसी से यही प्यारी प्यारी शैतानियाँ, और यही याद रह जाती हैं बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो ऐसी शैतानियाँ नहीं करते, तब वो दूसरी तरह की शैतानियाँ करना शुरू करते हैं। तो इसलिए मुझे इसकी इस शैतानियों से कोई इरीटेशन नहीं होती है, कभी यशी को मना नहीं करती इस तरह शैतानी करने में। बस जब भी वो मार खाती ना, बस बेचारी खाना ना खाने के लिए मार खाती है मुझसे, वरना वो कभी मैं नहीं मारती उसे। जो भी इस तरह की शैतानियाँ करती है मुझे अच्छी लगती हैं, मतलब ऐसे ना एक तरफ गुस्सा भी आता है और एक तरफ प्यार भी आता है, ऐसा वाला होता है। तो यहाँ पर मेरी अब सब तैयारियाँ हो गई और फाइनली मैंने पूजा स्टार्ट कर दी अपनी। तो सबसे पहले आचमन करते हैं जल से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर फूल चढ़ाए जो भी कह लीजिए, गौरा माता रखी जाती है इसमें, क्योंकि ये छठ माता की पूजा होती है। बहुत लोग कहते हैं बलराम जी की पूजा होती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं माता की ही पूजा की जाती है, छठ माता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी है मैंने इसलिए गौरा माता को भी रखा है क्योंकि वो भी रखी जाती हैं पूजा में। तो गौरा माता सब और पेड़ पर सब जगह पौधा वो फूल चढ़ाने के बाद ये जो 12 पत्ते मैंने धुले थे अब उन्हें मैं इस तरीके से लगा दूँगी, क्योंकि अभी इन पर ही हमें प्रसाद रखना है। और इस तरीके से सबको लगाने के बाद इसी पे हमें प्रसाद परोसना है भगवान जी के लिए और कह लीजिए अपने लिए। और यहाँ पे सब इस तरीके से लगाने के बाद धुल लिए हैं मैंने, धुलने के बाद ऐसे साफ़ हो गए हैं धुल के, तो अब इनको इस तरीके से रख लूँगी। और रखने के बाद अब इस पे मैंने ना तिन्नी के चावल और दही का प्रसाद बनाया, मतलब तिन्नी के चावल और दही को मिला के ये प्रसाद बनाया है। तिन्नी के चावल उन्हें ब्राउन राइस भी कहते हैं अगर आप नहीं जानते, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मुझे सभी पत्तों पर रखना है। और इसके बाद आप जो नाम सुना हो महुआ, महुआ का पेड़ होता है, महुआ एक फल होता है जिसे खाया जाता है। तो यहाँ पे मेन जो होता है ना इस पूजा में महुए का ही महत्व होता है। तो ये महुआ अब एक एक महुआ मैं सब पे रख दे रही हूँ। तो ये हमारा प्रसाद होता है जब बहुत मतलब पूजा में ज़रूरी होता है, इसी चीज़ का ही प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ पे सब प्रसाद लगाने के बाद अब मैं सीधे दिया प्रज्वलित करती हूँ। हमेशा दिया लगाने से पहले ना धूपबत्ती जलानी चाहिए, ये मैंने पढ़ा था कहीं कि वहाँ पे ये था कि आप दिया जलाने से पहले धूपबत्ती जलाएं उसके बाद दिया प्रज्वलित करें। तो यहाँ पे दिया धूपबत्ती जो भी थी वो मैंने दिखा दिया। फिर यहाँ पे जो भी कहानी थी वो मैंने फ़ोन से ही देख के पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको इसके साथ शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे जो गौरा माता होती है ना उनको सबसे पहले पूजा में सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं 5 बार उनको सिंदूर चढ़ाऊँगी, 5 या 7 बार, 5 बार मैंने सिंदूर चढ़ाया। फिर सभी पत्तों पे सिंदूर लगाया जाता है, इस तरीके से टीका किया जाता है सभी पत्तों पे। और उसके बाद जो भी गौरा माता है वो छठ माता उन्हें टीका किया, मैंने सिंदूर चढ़ाया। और इस तरह सिंदूर चढ़ाने के बाद अब मैंने यहाँ पे कहानी पढ़ी जो कि मैंने फ़ोन से ही देख के पढ़ी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे फ़ोन से देख के हम कहानी पढ़ लेंगे। और पीछे मेरा बाबू लेटा था, मतलब वो भी उठ गए थे महाराज, तो उन वो भी भारी लेटे थे, तो मैंने उनको भी टीका लगाया, यशी को भी टीका लगाया यही सिंदूर का। और उसके बाद अब मैं ये काजल पाड़ने के लिए दिया जला रही हूँ। बिना ऐसे दिया जला के देखिए यहाँ पे मैंने दिया जलाया, उसके बाद ऐसे 2 दिए और रखे जाते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं उसके ऊपर से। फिर इस तरीके से हमें एक दिया रखना होता है जो भी बत्ती जल रही होती है ना उसके ऊपर, और ऐसे रखना होता है कि वो बाती जो होती है ना वो बुझे ना। लेकिन मेरी बाती ना बार बार बुझ जा रही थी क्योंकि तीनों ही दिए एक ही बराबर के थे, जिस वजह से वो जो मैं दिया रख रही तो वो पूरी बत्ती बुझ जा रही थी उससे। बट किसी तरह से मैंने थोड़ा बहुत काजल पार लिया अपने बाबू को लगाने के लिए, क्योंकि क्या होता है पूजा के एंड में ना बच्चे को काजल लगाना होता है, ये इसकी रस्म होती है। मतलब हमारे यहाँ जो होता है इसमें रस्म होती है कि काजल पार के बच्चे को लगाया जाता है। तो आप देख ही रहे हो कितनी मुझे जहमत करनी पड़ रही थी क्योंकि बार बार मेरा दिया ना बुझ जा रहा था, क्योंकि तीनों दिए बराबर के थे तो इसलिए जल नहीं पा रहा था। बट फाइनली मेरा जल गया, दिया रख के मैंने देखा कि जल रहा है ना। तो यहाँ पे फाइनली मैंने कथा वथा कर ली, आरती कर ली, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने देखा तो थोड़ा सा जो था काजल थोड़ा बहुत पार गया था, मतलब थोड़ा हो रहा था। मैं बार बार चेक कर रही थी कि ऐसा ना दिया बुझ जाए। तो जब पूजा समाप्त हो जाती है ना उसके बाद फिर इस तरीके से गौरा माता से सिंदूर हम लोग ले लेते हैं,
मतलब 5 बार चढ़ाते हैं तो 3 बार उनसे सिंदूर हम अपनी मांग में लगा लेते हैं। इससे जो गौरा माता होती है, माता पार्वती होती है, उनसे हम अपने अमर सुहाग का वरदान मांगते हैं। अमर तो किसी का सुहाग नहीं होता, बट फिर भी लंबी उम्र का, कि हमारे जो भी पतिदेव की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इससे कहते हैं कि जो भी पति पे बलाएँ आती है वो टल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा काजल पर गया है और अब इसको ना मैं जा रही हूँ अपने बाबू को लगाने, और पूजा मेरी अब पूरी हो चुकी थी तो सबसे आखिरी में ना बाबू को काजल लगाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे बाबू लेटे, इनको देखिए टीका भी लगा है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको काजल लगा दिया, क्योंकि सूखा काजल होता है ना तो ज़्यादा आँख के अंदर नहीं लगाया जाता है, आँख के अंदर लगाने से फिर बच्चे को चुभ सकता है क्योंकि ये सूखा काजल होता है। तो इस तरीके से मैंने उसे बाहर बाहर लगा दिया और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये बाबू ने मेरे काजल भी लगवा लिया है मुझे। और पूरा काजल अजल लगने के बाद बाबू रेडी और अब मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा पूजा ख़त्म हो गई है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा व्रत जो था वो हो गया है, मतलब पूजा हो गई है और आज व्रत है। तो आज क्या होता है, पूरा दिन व्रत रहा जाता है और जो भी ज़मीन की उगी हुई चीज़ें होती हैं वो नहीं खाई जाती हैं। तो आज इसलिए सिर्फ तिल्ली का चावल कहते हैं जिसे, या फिर ब्राउन राइस कहते हैं, सिर्फ वो ही खाया जाता है दही के साथ। और इसमें आज के व्रत में इसमें मीठा भी नहीं खाया जाता है, तो मैं चाय भी नहीं पी सकती। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन जब व्रत रहो, फास्ट रहो, तो चाय ज़रूर पीने का मन करता है। और इसमें गाय के दूध भी नहीं मतलब लिया जाता है, भैंस के दूध का कुछ मतलब जो भी चाय भी पियो तो भैंस के दूध की पी जाती है, इस तरीके से होती हैं चीज़ें। तो आज ये पहली बार मेरा पहला व्रत है, बस शादी के बाद करवा चौथ रहती थी, इसके बाद अब पहला है जो कि लड़कों के लिए रहा जाता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, व्रत तो मैं रहती थी फास्ट, पहले भी रहती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये व्रत मैंने हमेशा मम्मी को करते हुए देखा है और आज मैं खुद कर रही हूँ। अब लग रहा है ना कि एक हाँ मेरा बचपना गया, अब मम्मा की जगह मतलब अब मैं मम्मी बन चुकी हूँ बच्चों की अपनी। तो नई जर्नी है एक स्टार्ट तो हो चुकी है बहुत पहले, बट शायद मुझे रियलाइज आज हुई है। बहुत अच्छा रहा आज का, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइएगा आप लोगों में से किसने किसने आज का व्रत रहा और किसके किसके यहाँ ऐसी विधि होती है पूजा की या अलग अलग विधि होती है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये है मेरा आज का खाना, इसे कहते हैं तिल्ली का चावल। और पता नहीं ये पका है कि नहीं पका है, क्योंकि सीटी आई नहीं कुकर में।